तो वही चीज़ कर रहा हूँ। मेरे को लगा कि बिना पैरों के डांस करना चाहिए, तो मैंने डांस करना स्टार्ट कर दिया। आज वही चीज़ से मेरा पेट पूजा मेरी होती है। Hi guys, welcome to another vlog of Vlog Singh. तो आज के vlog में मतलब एक बंदे से मिलने जा रहे हैं और मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरे दिल में और उनसे मिलने के लिए मैं बिल्कुल मतलब मेरे को इंतज़ार नहीं हो रहा उनसे मिलने के लिए। तो उनकी एक मोटिवेशनल स्टोरी भी आपके साथ शेयर करेंगे और एज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू हम उनसे लेंगे। तो बस जुड़े रहो यार एंड तक और प्लीज़ यार ये वीडियो शेयर जरूर करना और एक बार देख लो मैं किन से मिलने जा रहा हूँ। तो पहले तो देखो तुम्हारा भाई एकदम रेडी हो चुका है और ये शूज़ देखो भाई एक बार, ये शूज़ जो है मैंने ये लिए थे द आउटलेट फैशन से। उनका इंस्टाग्राम लिंक और बाइंग डिस्क्रिप्शन लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप सिंपली जाके ले सकते हो। तो बस निकलते हैं, अभी सारा सामान हमने रेडी कर लिया है और आज मुझे कंपनी देने वाले हैं जसप्रीत भाई और ये मुझे आज कंपनी देने वाला है भाई। तो भाई तुम्हें इंतजार हो रहा है भाई जी से मिलने के लिए? चलो चलो चले चलो निकलते हैं, भाई जी भी हमारा वेट कर रहे होंगे। तो बस सामान सारा रेडी कर लिया, निकलते हैं। A few moments later. तो यार अभी एक प्रॉब्लम हो गई, भाई कह रहे कि उनकी थोड़ी मीटिंग है आज के दिन, तो वो आज के दिन मिल नहीं सकते हमें और आधे से ज़्यादा रास्ता हमने कवर भी कर लिया था। बट कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ने एक ही बात कही कि इतनी जल्दी फेमस नहीं हो जाता, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, उन्होंने भी कहते बहुत पापड़ बेले हैं। तो चलो कोई बात नहीं, उनसे कल मिलते हैं और कल पता है कितनी देर में होगी, अगले सेकंड में। और ये लो हो गई कल। तो अभी दूसरा दिन हो चुका है और बंदा भी चेंज हो चुका है, गोलू बैठा है पीछे आज, इसका नाम कुंवर जाट है, कुंवर जाट है ना। तो आज मतलब हम जा रहे हैं और आज भैया ने बोला है कि जल्दी आ जाओ थोड़ा, और ऑलमोस्ट मैं लेट हूँ और बस अभी बैठे थोड़ा कुछ खा के ना जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, बस पहुँचते और सीधा मिलवाते हैं उनसे जिनके पास जा रहे हैं। ये लो स्विच करो और बंदा मिलेगा। तो जिनकी मैं बात कर रहा था अब हम उनके साथ हैं, हमारे साथ हैं विनोद भैया जी। तो आई थिंक कि मैक्सिमम ऑफ जन आपको जानते होंगे ना, बट कई ऐसे हैं जो नहीं जानते, तो यार एक बार ना आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो थोड़ा सा। हाँ, मेरा नाम विनोद ठाकुर है और मैं बिना पैरों के मैं डांस करता हूँ। आप लोगों की मैं मेमोरी थोड़ी तेज कर दूँ, 2010 में मैंने इंडियाज गोट टैलेंट सीजन 2 किया था, उसका मैं सेमी फाइनलिस्ट हूँ। और देन उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा टीवी रियलिटी शो किया था, सेलिब्रिटी शो था, नच बलिए सीजन 6 2014 में मैंने किया था, उसका मैं रनर अप रह चुका हूँ। मेरा मेन पर्पज़ जो है लोगों को मोटिवेट करना और नई नई चीज़ें लोगों तक लेके आता हूँ कि हाँ कि कुछ लोग कहे कि हाँ कि ये स्टॉपेबल नहीं है, बहुत कुछ आगे लाइफ में कर सकता है, तो वही चीज़ करता रहता हूँ। तो भाई जी जो है इन्होंने मुझे बताया कि आप राइडिंग भी करते हो। बिल्कुल, राइडिंग और करना बहुत मेरा एक राइडिंग मेरे को बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक है राइडिंग का मुझे। चाहे अभी मैं आपको बताऊं भी, लास्ट टाइम मैंने थोड़े टाइम पहले मैंने जो मैनुअल व्हीलचेयर होती है जो हाथ से पुश करती है, तो लॉन्गेस्ट पुशिंग व्हीलचेयर जर्नी जो मैंने की थी ये दिल्ली के इंडिया गेट से मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया तक की थी मैंने व्हीलचेयर पे मैनुअली। हाँ, व्हीलचेयर पे। तो टोटल कितना टाइम लगा आपको ये करने? ये 1500 किलोमीटर की जर्नी थी और बहुत बहुत स्ट्रगल भी हुआ इसमें, लेकिन एक जुनून तो रहता ही है ना कि हाँ कि करना है। मेरे को 40 लगे थे लेकिन मैंने ये पूरा पार कर दिया था, रास्ते में बीमार भी पड़ा लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था इस चीज़ के लिए। तो मतलब सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो टिकाए रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट है तो सब कुछ है। और बाकी भाई ने ना ये लाइन प्रूव कर दी कि अगर आप ड्रीम कर सकते हो ना तो उसे ट्रू भी कर सकते हो। बिल्कुल, सपने देखो और बहुत सारे देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ही चीज़ देखो, सपने देखो, हर चीज़ पे सपने देखो, सपने 10 चीज़ पे सपना देखोगे तो एक सपना जरूर आपका पूरा होगा, फोकस 10 पे करो। पर भाई ने 10 के 10 सपने पूरे करे। बिल्कुल करे। और यार हमारे जैसे बंदे हैं ना, हम ना मतलब अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। बट यार मैं अभी तक सोचता हूँ, एग्जाम्स थे मैंने जिम छोड़ दिया यही सोच के कि यार एग्जाम में फेल ना हो जाऊँ। बट यार भाई जिम भी करते हैं।
जिम तो बिल्कुल मेरा बचपन से ही बॉडी फिट रहना, और मैं सबको ये बोलूँगा कि भाई फिटनेस है तो सब कुछ है। आपका शरीर अगर सही है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, शरीर ही ठीक नहीं है तो फिर क्या करोगे। तो भगवान ने जो मुझे, लोगों को लगता है कि हाँ कि पैर नहीं है इसके कि तो थोड़ी कमी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सब माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। सारा माइंड दो पे हाथ डिपेंड दो पैर करता वाले है। भी आजकल भीख मांगते हैं आप देख रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपका अगर दिमाग है, आप अपने दिमाग से अपने बॉडी को यूज़ करना चाहते हो और अच्छी चीज़ में लगाते हो, तो आप रियल में सक्सेसफुल होते हो। और मैंने भी वही चीज़ किया है, मुझे लगा कि भगवान ने मुझे कुछ यूनिक दिया है और इस धरती पे कुछ अलग डिफरेंट करने के लिए भेजा है, तो वही चीज़ कर रहा हूँ। मेरे को लगा कि बिना पैरों के डांस करना चाहिए, तो मैंने डांस करना स्टार्ट कर दिया। आज वही चीज़ से मेरा पेट पूजा मेरी होती है, यही सब चीज़। और आप इवेंट्स वगैरह भी करते हो? हाँ, मैं शोज़ वगैरह करता रहता हूँ, कॉलेज फेस्ट, और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं, और मैं नेशनल पावर लिफ्टर हूँ। पैरालंपिक गेम्स में मैं नेशनल प्लेयर हूँ, इंडिया की तरफ से इस बार मैं रिप्रेजेंट करोगे? रिप्रेजेंट करूँगा इंडिया को। तो आप सब लोग उस चीज़ के लिए देखो भी, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स भी चाहिए मुझे, ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना। तो यार हम फालतू की चीज़ें कितनी ज़्यादा शेयर करते हैं, बट हाँ जो चीज़ अच्छी होती है ना हम उसे कभी शेयर नहीं करते। एक्चुअली देखो, शेयर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ भी होती है, लेकिन क्या होता है कि आजकल ज़्यादा फालतू लोग फालतू ज़्यादा चीज़ ज़्यादा हाँ शेयर होता ज़्यादा है। शेयर करते हैं फालतू की कमेंट, लेकिन जब मोटिवेशन चीज़ जब शेयर होती है तो उससे क्या एक सीख मिलती है इंसान को। अब मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, आप लोग तक अपनी बात इसलिए पहुँचाना चाह रहा हूँ कि मेरे ज़रिए आपको कुछ आइडिया मिल जाए अपनी लाइफ के लिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार भगवान ने हमें ये कमी दी है, भगवान ने हमें ये टेंशन दे रखी है। टेंशन कुछ नहीं, टेंशन ये सब दिमाग से निकाल दोगे तो टेंशन ही निकल जाएगी। तो वही चीज़ मैं करता हूँ बस। और एक चीज़ आपको एक बता दूँ कि कभी उस चीज़ पे दुख मत करना जिस चीज़ का तुम्हें कभी टेस्ट ना लिया हो। मैंने कभी पैरों का सुख ही नहीं लिया तो उसका दुख मना के क्या करूँगा, क्योंकि मेरा जन्म ही ऐसे हुआ है, तो इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता। अच्छा, ये आपका बाय बर्थ है किसी हाँ बाय एक्सीडेंट? बर्थ है बाय मेरा, बर्थ, हाँ सब गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्ट। और ये आप इनको गॉड का गिफ्ट समझते हो? हाँ गिफ्ट है मतलब भाई। यार किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, उसको एक गिफ्ट लेके चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल और पता बिल्कुल है यार मैं भाई से कैसे मिला? एक्चुअली मैं अपनी गाड़ी का थोड़ा काम करवा रहा था और मुझे वहीं पे भाई मिले, तो मैंने भाई से कांटेक्ट किया और मैंने कहा कि यार आपकी स्टोरी शेयर करनी चाहिए। और मतलब आज आपके सामने भाई हैं और मतलब मुझे अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि यार मैं भाई के सामने खड़ा हूँ। इतना मतलब मोटिवेट हुआ ना इस चीज़ को मैं लेके कि मैं यार इतने बहाने ढूंढता था, आज से मतलब सारे बहाने मेरे ख़त्म हो जाएंगे, भाई ने इतना मोटिवेट कर दिया। और अगर कोई इवेंट वगैरह करवाना चाहे तो भाई का जो ईमेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में और सामने भी हाँ आपके आ रहा होगा। वो तो हो जाएगा। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि अभी मैं एक लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक बहुत बड़ी मैं राइड करने जा रहा हूँ, और अभी तक इंडिया की एज ए दिव्यांग पर्सन, एज ए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन फर्स्ट ऐसा होगा जो ऐसी राइड करे। मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये मेरी बुलेट से मैं करने वाला हूँ ये बाइक से, और जो लोग मुझे सपोर्ट भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, चाहे जैसे भी सपोर्ट करें। पैसों के लिए नहीं कह रहा मैं, पैसा 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 की कमी नहीं है, भगवान की दुआ से भगवान ने ऐसा टैलेंट दिया है कि मैं बहुत अच्छा अर्न कर लेता हूँ। बस ये है कि आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो कश्मीर टू कन्याकुमारी की वीडियो होगी उसको और ज़्यादा शेयर कर देना। मतलब अगर भाई किसी स्टॉप पे रुकते हैं ना तो आप अपडेट करते रहना हाँ इंस्टाग्राम वगैरह बिल्कुल पे, बिल्कुल सोशल मीडिया पे, ताकि आपके साथ हाँ लोग आके मिलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत मतलब यार मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं भाई के साथ में हूँ। और मतलब आपका भाई, आप मैरिड भी हो? हाँ मैं मैरिड भी हूँ, मेरी वाइफ है। वो भी डांस करते हैं, मैंने एक बार हाँ देखा था बिल्कुल नचबलिए के बिल्कुल शो में। हाँ और नचबलिए के शो में आप कहाँ तक गए हो? मैं रनर अप हूँ नचबलिए में, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मैंने हराया इस उसमें, और चैनल ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और इंडिया की जो मीडिया है, मीडिया ने मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, और आप जैसे यूट्यूबर्स ने भी मुझे बहुत हाईलाइट किया, यूट्यूब पे भी बहुत हाईलाइट हो रखा हूँ, लोग मेरी वीडियो ले लेके डालते रहते हैं, बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और आप जैसे लोगों की वजह से ही मैं आज लोगों तक पहुँच पा रहा हूँ, और लोग इतना मुझे काम, जो इवेंट्स शोज वगैरह मुझे मिलते हैं आप जैसे लोगों की वजह से ही। पर ना ऐसा है कि आज के टाइम पे ना लोगों का मतलब टैलेंट की तो बहुत ज़्यादा होड़ा होड़ी हो गई है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉम्पिटिशन भी हाई है, पर मेन जो लोग फोकस करते हैं ना वो फालतू के लोगों के पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, फैशन ट्रेंड्स पे, पर जो रियल टैलेंट है ना उसको आज तक अप्रिसिएशन नहीं मिलता इतना ज़्यादा। तो ये चीज़ जो है थोड़ा इसको कम करना चाहिए, रियल टैलेंट को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि यार आप इस वीडियो को इतना शेयर करो कि मतलब भाई जो है ना चमकने चाहिए एक तरीके से स्टार की बिल्कुल। तरह। और क्या,
अभी तक डांसर बना के चमकाया, अब राइडर बना के भी चमका दो। राइडर बना के चमकाना और भाई जिम भी करते हैं, लेग डे भी करते हो यार, सब चीज करते हो। और रियली यार मैं मतलब मैं ना शॉक्ड हूँ यार भाई के इतना जुनून को देख के। और आपने रॉयल इनफील्ड भी लिया है, और ये आपका मतलब क्रेज है ये बाइकिंग करना? बिल्कुल, बाइकिंग करना मेरा इसलिए क्रेज है क्योंकि कभी मेरे को लगा ही नहीं कि यार मैं कार भी चला लेता हूँ, मैं बाइक भी चला लेता हूँ, कुछ भी चला लेता हूँ। तो आप कार कैसे कंट्रोल करते हो? कार में भी मैंने अपना माइंड से पूरा कंट्रोल सिस्टम लगा रखा है उसमें। और आपने रॉयल इनफील्ड पे भी सारा आपने मतलब पूरा कुछ चेंज कर दिया। एक बार गोलू भाई दिखाना थोड़ा सा यार। अच्छा ये आपने यहाँ पे गियर शिफ्टर लगाया? गियर शिफ्टर लगाया और प्लस आपने पीछे जो है व्हील्स लगवाए हैं, पीछे कार के व्हील्स हैं, कार के व्हील्स हैं, इसमें कार का मजा भी ले सकते हो आप। ओहो, और अभी आप मतलब पिलियन राइडिंग में पीछे बंदा भी बिठा सकते हो? बिल्कुल। और अभी तक मतलब आपने ओवरऑल इसके ऊपर कितने पैसे लगा दिए? इस पे मैंने 1 लाख लगा चुका हूँ मैं इसमें। मतलब शौक बड़ी चीज है, पैसा बड़ी चीज नहीं है? बिल्कुल, पैसा बड़ी चीज थोड़ी है, पैसा तो कभी भी आता है कभी भी जाता है। अभी देखो ना, अभी ये बुलेट ली है, अभी इसके बाद जब राइड पे निकलूंगा तो लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, तो वो पैसा मेरे पास अपने आप आ जाएगा क्योंकि टैलेंट भी बहुत बोलता है ना, टैलेंट मैटर करता है। बिल्कुल, मतलब अगर आप कुछ कहना चाहते हो उन लोगों से जो मतलब घर पे वेले बैठे हैं या अपने टैलेंट को दबा के बैठे हैं, बिल्कुल, या फिर वो सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आप उनको क्या मैसेज दोगे और क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो देखो, आप इस धरती पे आए हो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कीड़े मकोड़ों से तो बहुत अच्छी लाइफ है हम इंसानों की, तो अपने आप को कभी भी अनलकी तो समझना ही मत, और कोशिश करना कि अगर आप इस धरती पे हो तो कुछ यूनिक करने के लिए है, और जब ये आपने सोच लिया तो आप रियल में कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर जाओगे। तो वही कहना चाहूँगा कि सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बस ये चीज़ है कि कोई उस चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर लेता है, और कुछ थोड़ा तुक्का भेड़ के, तुक्का लग गया तो लग गया वरना शांत घर में बैठता है, तो तुक्का मत लगाओ, उस चीज़ पे वर्क करो, आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और अभी कल की बात है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि भाई जो मुझे कह रहे थे कि आज नहीं हो पाएगा, तो मैंने भाई को बोला कि यार मैं ना मतलब थोड़ा सैड सा हो गया था, तब भाई ने मुझे एक ही बात की कि भाई फेमस होने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बेलने पड़ते हैं, अभी मैं आपको बता दूं, मैं खुद क्या कहते हैं 2-3 चक्कर काटे मैंने ढूंढते हुए, इस वजह से चक्कर काटे क्योंकि मुझे भी फेमस होना है भाई और ज़्यादा फेमस होना है। वैसे तो आप लोगों का प्यार है ही, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मैं दूंगा, और मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कि मेरी स्टोरी से कोई इंस्पायर हो रहा है। तो अभी अपने चैनल को ना एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाइक की जितने भी जो अभी वीडियोस होंगी ना राइडिंग वाली, बिल्कुल बिल्कुल, उनमें से कुछ वीडियोस जो है मेरे चैनल पे अपलोड होंगी। बिल्कुल होंगी, और मैं यही बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस स्टोरी को ज़्यादा देखें, क्योंकि एक आप जिसके मन में ये चीज़ लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा। आप बस अगर खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते, तो इस वीडियो के ज़रिए आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हो, तो शेयर ज़रूर करो इसको। और ऐसा है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल, तो उसको अगर हम ये सोच के जी लेंगे ना कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो व्यर्थ है। बिल्कुल व्यर्थ है। तो मतलब अपने आप को किसी से कम मत समझो, और भाई से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होना यार, और भाई के लिए वीडियो शेयर भी करना उनके साथ जो घर पे पड़े रहते हैं मेरी तरह और कुछ करते नहीं अपनी लाइफ में। और नहीं नहीं, भाई बहुत मेहनत करता है भाई, मैंने देखा है इसके यूट्यूब पर जो फॉलोवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे हैं, और ऐसे ही इसको प्यार दे, क्योंकि अभी तो एज भी बहुत कम है इसकी और बहुत आगे जाने वाला है भाई भी, तो आप लोग भी सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही आज ये इतना आगे बढ़ रहा है, तो आप लोग इस बच्चे को सपोर्ट ज़रूर करो। तो यार मैं ये भी एक बात आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे चैनल पे भाई अपेयर हुए, अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है तो आप मुझे सिंपली मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस टैलेंट को अप्रिशिएट करने के लिए। और मैं रियली बताऊँ तो मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ों को प्रमोट करना, क्योंकि फालतू चीज़ें तो कोई भी प्रमोट कर देता है, सच बात है। और बस इतना ही था आज की वीडियो में, और हमारे पास ना भाई के लिए एक गिफ्ट भी है जो कि हम लेके आए थे भाई को, एक टाइप ऑफ थैंक यू गिफ्ट कि भाई ने हमारे लिए टाइम निकाला। तो ये एक छोटी सी गिफ्ट है भाई को हमारी तरफ से, और मतलब बहुत छोटी गिफ्ट है यार, ये कुछ भी नहीं है भाई के टैलेंट के सामने, होता है छोटा हो जाए बड़ा हो, बट भाई से मिलकर रियली अच्छा लगा। और अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो या अच्छा लगा हो ना ये वीडियो, तो प्लीज़ एक बार लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ये दोनों ही नहीं कर रहे ना तो प्लीज़ एटलीस्ट वीडियो को शेयर करना उनके साथ, बिल्कुल, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और बार ही मतलब भाई से मतलब दोबारा मुलाकात होगी, जरूर आपके सामने आएंगे भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर यार,
और कोई बातचीत हो तो इंस्टाग्राम पे कर लेना, और ये दो वीडियो जरूर देख लेना।